हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो ये मेरी सिस्टर है, एक सिस्टर को मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया, ये मुझसे बड़ी है, मंजू मोटी मोटी बोलते हैं हम इसको है? तो जी ये रहती है गुड़गांव में, मैं आई हूँ इसके घर और हम घूमने आए हैं बंजारा मार्केट। आई एम श्योर आप सबने बंजारा मार्केट का नाम ज़रूर सुना होगा। तो हमने कहा चलो देख के आते हैं, तो हम देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पर। ये देखिए रंग बिरंगे पॉट्स एंड रग्स। और ये सामने दिख रही है आपको सोनल, ये मंजू की सबसे छोटी बिटिया है, ये भी गुड़गांव में रहती है। ये बंजारा मार्केट में ज़्यादातर ये पॉटरी का सामान, पॉट्स वगैरह, क्ले की चीज़ें ऐसी, ये देखिए फर्नीचर भी मिल रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत होती है, जितने का सामान बोले ना आप हाफ रेट बताओ, अच्छे खासे में दे देते हैं। ये देखिए और ये डेकोरेटिव आइटम्स, सुंदर सुंदर कॉर्नर पीसेस, मिरर फ्रेम से देखिए मिरर का कितना अच्छा लग रहा है, ये वॉल पीसेस, ये देखिए ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। भैया कितने का है ये? ये देखिए छोटा कारपेट, हमें इन चीजों की जरा कम समझ रहती है तो हम इसको साथ में लेके आते हैं, ये बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी करती है और चीजें भी बहुत अच्छी मिलाती है। बैग, हेलो हेलो, ये सोनल है, मेरी सिस्टर है ना, जो मैंने आपको भी मिलवाया था, ये उसकी सबसे छोटी बेटी है, ये भी गुड़गांव में रहती है। हम इसको लाए हैं, इसको बहुत समझ है इन चीज़ों की और बार्गेनिंग बहुत अच्छी कर लेती है। अभी पता है 2000 का कारपेट इसने कितने में लिया? 800 में। हाँ जी, तो अब जिस शॉप पर मैं आई हूँ ना, देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ये यहाँ पर। ऐसे देख के दिल आ रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पर वो ये कि घर में पहले से इतना सामान होता है, कितना कितना आप हर वक्त ख़रीदते रहोगे। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए जी, आयरन का फर्नीचर और ये ही कास्ट आयरन वगैरह से बनी हुई छोटी छोटी बाइसिकल्स। ये देखिए उडली, उडली देखिए इन्होंने 400 की एक बताई थी और हम 400 में दो लेके आए। ये वुडन, ये देखिए पॉट्स रखे हुए हैं, ये वॉल पीस है, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी देखने में। इस शॉप पे भी बहुत अच्छे अच्छे मिरर्स और बहुत सामान था। और ये देखिए वुडन फ्रेम में और आयरन कास्ट आयरन के फ्रेम में बड़े सुंदर सुंदर मिरर्स थे। ये देखिए हमने खुद को भी मिरर में देख के रिकॉर्ड कर लिया। हेलो दीदी, हेलो, आप बहुत क्यूट हो और आप हमसे भी ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू। ये देखिए कितना सुंदर है, आप इनको स्टेयर्स में रख लीजिए, इस पे अपने पॉट्स लगा लीजिए, अब बालकनी अगर आपकी स्पेशल है तो वहाँ भी रख सकते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो ये नेक्स्ट वाली जो शॉप पर हम गए ना, वहाँ पर देखिए ये आयरन की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। ये देखिए ये शेल्फ थे, तरह तरह के स्टूल्स थे, लकड़ी का बहुत सामान था। मंदिर देखिए कितना प्यारा है। और ये साइड में रखने के लिए ये छोटी सी सेटी है और छोटे छोटे स्टूल थे, ये बड़े प्यारे प्यारे, देखिए 1000 रुपीज़ के रेंज में ये स्टूल्स थे, बहुत ही अच्छे चौकी टाइप भी थे और ये सब बहुत। ये देखिए साइड टेबल्स कितनी सुंदर सुंदर हैं। और ये देखिए चेस्ट बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी पीछे मिरर्स देखिए वुडवर्क में कितने अच्छे अच्छे मिरर्स हैं। तो सामान तो इतना था कि पूछिए मत, था भी बहुत अच्छा, पसंद आया। अभी निकाल रहे सामान, सामान निकालना भी
देख के थोड़ा आइडिया कोई एक निकाल दो पीछे चीज अच्छी लग रही है कोई एक देखो अगर सामने पड़ा तो बाकी ये वाली शॉप पर ना ग्लास के आइटम्स ज़्यादा थी जैसे कैंडल्स वगैरह रखने के लिए ये छोटे छोटे ये मिल रहे थे कंटेनर्स क्या बोलते हैं इनको कैंडल होल्डर्स और ये बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमने तीन चार ली थी छोटी छोटी को वो हैंगिंग वाली जैसे लैंटर्न टाइप होती है ना उस टाइप से ली थी। तो इस वाली शॉप में ना बड़े ही सुंदर सुंदर ऐसे आइटम्स थे जो बाहर आप गार्डन वार्डन अगर आपके पास है तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो भाई फ्लैट वगैरह में तो गार्डन्स होते नहीं हैं लेकिन चीज़ें बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे। अगर स्टेयर केस आपका स्पेशस है ना तो आप वहाँ पर भी इस टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई सामान लेना हो तो आप बिल्कुल चले आइए सीधा बंजारा मार्केट। फिलहाल ये सेक्टर 56 में है लेकिन चेक करके जाइएगा क्योंकि ये लोग अपनी जगह बदलते रहते हैं। बंजारे हैं ना एक जगह कब ठहरे हैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो जी बहुत ही खूबसूरत था सारा सामान बहुत मेरा तो दिल आ गया था कि भाई सब कुछ ही उठा के ले जाऊँ। ये सब सामान लेकर आए जी हम ये गुड्डू अपने घर के लिए लेकर आया है बोलते हैं हम आई है। ये एक उडली लेकर आए देखिए उन्होंने 400 की एक बोली थी हम 400 में दो लेकर आए है ना। एक ये लेकर आए एक ये ट्रे मिरर वाली लेके आई है वो देखिए रेक्टेंगुलर शेप में एक ये कैंडल स्टैंड लेकर आए एक ये राउंड वाली ट्रे लेके आए इसके अंदर ये छोटे छोटे ये रखे हैं इसमें कैंडल्स वगैरह लगा लो आप बहुत सुंदर लगते हैं। एक ये लेके आए तो इस तरीके से छोटा मोटा काफ़ी सारा सामान लेके आए। और ये देखिए तुलसी लगाने के लिए ना ये हम एक छोटा सा तुलसी चौरा लेकर आए ये ऐसा ये एक सोनल ने भी लिया था और एक ये मंजू भी लाई थी अपने लिए। और ये देखिए तीन प्लांटर्स का ये एक मतलब ये स्टैंड था ये इसके ऊपर तीन ये पॉट्स लगे हुए थे इसके अंदर आप चाहे प्लांट लगा लीजिए या आप इसमें इसको वैसे ही रख लीजिए या आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लीजिए। ये एक उसकी वो ली थी सेरामिक ट्रे ली थी उसके अंदर आप कैंडल्स वगैरह ये देखिए दो उडली लाए थे ना एक सोनल ने ले ली थी और एक मंजू ले आई थी अपने लिए। ये देखिए ये सब वहीं से लेके आए प्लांट भी लेकर आए वहाँ पर बहुत अच्छे प्लांट्स मिल रहे हैं। रात के 8 अब आके हम घर वापस आए हैं और करके आए हैं इतनी शॉपिंग वेरी टायर्ड। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जीजा जी बाय बाय।